क्या मैच था भाई साहब, क्या मारा है रोनाल्डो ने। मतलब हैट्रिक देख के मैं तो दंग रह गया था सीरियसली। मतलब इतना अमेजिंग, एंड वो भी फ्री किक के साथ अपनी हैट्रिक को फिनिश करना। एंड रोनाल्डो इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 प्रीमियर लीग गोल्स। सबसे बड़ी न्यूज़ यही है, अभी करेंटली जितना मुझे स्टैट्स पता है 99 प्रीमियर लीग गोल्स होंगे रोनाल्डो के, एंड 100 गोल्स एज सून एज जैसे ही नेक्स्ट मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली पूरे हो जाएंगे। बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी ये अपने करियर के। अगर एक हम स्टैट्स कंपेयर करें तो बिफोर 30 रोनाल्डो हैड 30 हैट्रिक्स बिफोर एज, एंड आफ्टर टर्निंग 30 ही हैज़ 30 हैट्रिक्स। सो दैट्स 60 हैट्रिक्स इन टोटल, एंड जिसमें से 50 हैट्रिक्स क्लब हैट्रिक्स हैं। मतलब जो क्लब लेवल पे जो भी रोनाल्डो ने जिस क्लब के साथ भी मैचेस खेले हैं उसमें उन ड्रेसेस में उन क्लब्स के साथ 50 हैट्रिक्स मारी हैं। कितना, मतलब मान लिया टीम छोटी थी जो भी था, बट वो जो फील आता है ना यार वो मैच देखते वक्त, एंड मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, इतना अमेजिंग, मतलब ब्रिलियंट यार। मैन यूनाइटेड की टेबल की बात करें तो उस पर भले ही इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड अगर आप देखेंगे तो क्योंकि सिंस आर्सेनल अभी रिसेंटली 3 मैच अपने लेटेस्ट हार गया है, सो आर्सेनल नीचे शिफ्ट हो गया है। बट वो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज आर्सेनल ने एक मैच कम खेला है अभी मैन यूनाइटेड से, एंड मैन यूनाइटेड अभी भी 4th प्लेस से काफ़ी दूर है, टॉटनहम से भी पीछे है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई मैन यूनाइटेड को यूएफए चैंपियंस लीग के लिए टॉटनहम एंड आर्सेनल को हार माननी पड़ेगी, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, उन्हें वहाँ पे अपने पॉइंट्स गंवाने होंगे, तब जाके मैन यूनाइटेड के चांसेस बनेंगे आगे बढ़ने के। बट जो भी कह लो, आज की हैट्रिक देख के मज़ा आ गया। सी!